नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि पूरी देश के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर कोरोना वायरस को लेकर के सामने आई है। आपको बता दूं कि भारत में दिनों दिन कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो 46,964 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। लेकिन वहीं अगर सितंबर माह और अगस्त माह के देखा जाए तो अक्टूबर माह के अंदर 30% कोरोना के कम मामले सामने आए हैं। ये एक पूरे देश के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। आइए एक नजर डालते हैं कि कहां भारत में अब दिनों दिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम सामने आ रहे हैं। रविवार को देश में कोरोना के 46,964 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच एक राहत की खबर यह है कि दरअसल जब से भारत में कोरोना वायरस संक्रमण शुरू हुआ है तब से अब तक पहली बार देश में कोरोना के मामलों में मासिक गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में भारत में कोरोना के मामले 30% कमी देखी गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना के नए मामलों और मौतों में सितंबर के मध्य से ही कमी देखी जाने लगी थी। इनका असर अक्टूबर के आंकड़ों पर दिखाई दिया है और पूरे अक्टूबर में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 18.3 लाख केस सामने आए थे, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 26.2 लाख था। अगस्त के मुकाबले भी अक्टूबर में कोरोना केस की संख्या कम रही। अगस्त में देश में 19.9 लाख मामले सामने आए थे। इस खबर पर सत्ता ही देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल की ओर। आपको बता दूं कि आईपीएल में कल दिल्ली बैंगलोर की करारी हार को पॉइंट्स टेबल ने बदल करके रख दिया है। आपको बता दूं कि दिल्ली और कोलकाता के साथ साथ अभी 6 टीमें ऐसी हैं जो अभी प्लेऑफ की दौड़ के अंदर मौजूद हैं, जिनका अभी प्लेऑफ में करो या मरो का मैच अभी बाकी है। सभी टीमों के पास में एक एक मुकाबले बाकी हैं और यदि उन्होंने वह एक एक मुकाबले भी गवा दिए तो उनकी प्लेऑफ की राह मुश्किल हो जाएगी। आईपीएल में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की करारी हार ने पॉइंट टेबल को हिला कर रख दिया है। मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही 18 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच चुकी है, लेकिन प्लेऑफ में 3 अभी बाकी टीमों में कौन सी होगी इसको लेकर के तस्वीरें फिलहाल साफ नहीं है। 6 टीमें अब भी इन 3 जगहों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि आईपीएल के लीग में स्टेज में सिर्फ 4 मैच और रह गए। ऐसे में बाकी बचे 6 टीमों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। अब सारी टीमों को एक एक मैच और खेलना है। 14 अंकों के फेर में 2 टीमों हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल 14 अंकों के फेर में फंस गई है। शनिवार को हर किसी की उम्मीदें थी कि ये दोनों टीमें एक एक जीत दर्ज कर अब बड़े आराम से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन दोनों की करारी हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि दोनों टीमों को आखिरी मैच में एक दूसरे के खिलाफ ही खेलना है, यानी ये मैच दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की तरह होगा। जीत का मतलब होगा सीधा प्लेऑफ में एंट्री, लेकिन हारने वाली टीम को दूसरे नतीजे पर निर्भर रहना होगा। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि कल रात्रि में निरंजन कुमार आर्य को राज्य का नया मुख्य सचिव घोषित किया गया। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में 31 अक्टूबर यानी शनिवार को दिन भर सस्पेंस रहने के बाद रात करीब 2:30 बजे वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। निरंजन कुमार आर्य अनुसूचित जाति से आने वाले राज्यों के पहले मुख्य सचिव हैं। इससे पहले सेवा विस्तार की चर्चाओं के बीच निवर्तमान मुख्य सचिव राजीव राठौर, राजीव स्वरूप सेवानिवृत्त हो गए। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने के कारण राजीव स्वरूप को 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिला है। साथ ही साथ राज्य कार्मिक विभाग में निरंजन कुमार आर्य की मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति के आदेश जारी करने के साथ ही 21 IAS अफसरों के तबादले भी कर दिए गए। सरकार ने 8 IAS अफसरों की वरिष्ठता लांघकर निरंजन कुमार आर्य को ब्यूरोक्रेसी का नया मुखिया बनाया। आइए एक नजर डालते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की ओर। आपको बता दूं, राजस्थान में प्रस्तावित गुर्जर आरक्षण आंदोलन फिलहाल कुछ समय के लिए टल गया है। साथ ही आपको बता दूं कि सरकार ने गुर्जरों की 14 बिंदुओं पर सहमति जता ली है। राजधानी जयपुर में गुर्जरों के एक गुट से सरकार ने जब बातचीत करके 14 बिंदुओं पर सहमति जताई तो उनका कहना था कि अब आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मामले को लेकर के काफी वक्त से सचिवालय में जारी वार्ता के बाद सरकार ने गुर्जर समाज की 14 मांगों को लेकर के सहमति जता दी। मामले में लिखित में गुर्जर प्रतिनिधियों को समझौता पत्र भी दिया गया है,
बैठक में दोपहर 12 बजे से मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना मौजूद थे। उनके साथ 21 सदस्यों को गुर्जर प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में मौजूद रहा। सभी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। करीब 8 घंटे की लंबी वार्ता के 3 दौर के बाद 14 मांगों को माना गया है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ वार्ता के बाद मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इन मांगों में 3 मृतकों को 5-5 लाख आर्थिक सहायता और उनके परिवार के 1-1 सदस्यों को नगर परिषद और नगर निगम में नौकरी दी जाएगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन सभी भर्तियों में 5% आरक्षण देते हुए अब तक अति पिछड़ा वर्ग के 2297 लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है। अभी तक पूर्ण होने से शेष भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% के अनुसार जितने भी पद आरक्षित हैं उन पर चयन के बाद अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के सिरोही ग्राम में शिरोमणि लोह पुरुष पटेल की जयंती मनाई गई। 31 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के जयपुर ग्रामीण प्रभारी रामजीलाल द्वारा जयपुर के निकट सिरोही ग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम गांव के प्रमुख रामदेव जी के मंदिर में रखा गया। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर व वरिष्ठ अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुर्जर एवं प्रदेश महामंत्री कमांडो मुकेश डोरी और गोपी राम गैरजर का माला व साफा पहनाकर के समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने स्वागत किया है। सौभाग्य से आज ही के दिन हर साल की तरह ग्रामवासियों ने भगवान के दरबार में प्रसाद का कार्यक्रम भी रखा, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चे एवं महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के साथ पधारे हुए महानुभाव एवं ग्राम के पूर्व सरपंच एवं मौजूदा सरपंच सहित इलाके के गणमान्य व्यक्तियों ने सरदार पटेल की फोटो पर पुष्प एवं मालाएं चढ़ाकर उनको देश के एकीकरण में निभाई हुई भूमिका के लिए याद किया। कर्नल गुर्जर ने अपने संबोधन में सरदार पटेल की भूमिका की प्रशंसा करते हुए मौजूदा ग्रामवासियों एवं युवाओं से आह्वान किया कि आज से ज़्यादा शायद देश को सरदार के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत पहले कभी नहीं थी। युवाओं से लोह पुरुष के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित किया गया। साथ ही साथ अपने उद्बोधन में कर्नल गुर्जर ने बताया कि 2020 में भी जयपुर शहर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे भी गांव हैं जहां पर दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर कोई बीमार हो जाए तो सहायता मांगने का संचार का कोई भी जरिया नहीं होना सरकार की तंत्र की बहुत बड़ी खामी का इशारा करता है। साथ ही साथ रामजीलाल प्रभारी जयपुर ग्रामीण ने बताया कि सिरोही ग्राम में हजारों वर्षों से मान्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन मांस मच्छी का सेवन नहीं करता। वह मृत्यु भूत जैसे कुरीति को भी ग्रामवासियों ने कई वर्षों पहले बंद कर दिया। कर्नल गुर्जर साहब, आप जयपुर से चलकर और यहाँ पहुँचे तो आप कुछ बताओगे कि किस कारण? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जयपुर के आसपास एक छोटा सा गांव है जहाँ हमारे आप इधर घुमा सकते हैं, रामजी लाल जी हैं जिनका ये गांव है, ये हमारे पूर्व सरपंच हैं और इस गांव के अंदर आज इस मंदिर के प्रांगण में एक भोज का आयोजन किया गया था, उसमें आपने हमें आमंत्रित किया। क्योंकि आज 31 अक्टूबर का दिन है, ये दिवस हमारे गुर्जर शिरोमणि सरदार पटेल साहब का जन्मदिन भी आता है और इस जन्मदिन को हमारे पूरा गुर्जर समाज पूरे विश्व में बड़ा धूमधाम से मनाता है और याद करता है कि ये वो लोह पुरुष थे जिन्होंने 565 रियासतों को भारत में विलय करवाया और जिसकी आखिरी चाल अभी थोड़े दिन पहले 370 को एक साल पहले हटाकर जिस प्रकार से पूरी तरह भारत में भारत का एकीकरण हो गया, मैं ये मानता हूँ 370 हटने के बाद ये पहला हमारे सरदार पटेल साहब का ये जन्म दिवस है, इसके ऊपर हम बहुत स्पेशल मानते हैं। आप अगर बाहर भी घुमाएंगे तो पूरा गुर्जर समाज इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा उत्साहित है और इस पूरे दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम रखा था। और जैसा आप देख रहे हैं ये भोज का आयोजन एक विशेष भोज नहीं है, ये गुर्जर समाज के लिए 31 अक्टूबर 2020 वो दिन है जिस दिन गुर्जर शिरोमणि जिसको मानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा काम किया था उनको याद करने के लिए हम ये सब किया है और इस सब के लिए यहाँ के निवासियों को बहुत मेरा तहे दिल से धन्यवाद। 31 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के जयपुर ग्रामीण प्रभारी
रामजी लाल द्वारा जयपुर के निकट सिरोही ग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम गांव के प्रमुख रामदेव जी के मंदिर में रखा गया। आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर के एक बार फिर से गुर्जर समाज के लोग आंदोलन को लेकर के आमलब हो गए हैं और 1 नवंबर से प्रस्तावित आंदोलन को लेकर के रविवार सुबह 10 बजे से पीलूपुरा में हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटेंगे। जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में दूसरे चरण के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और जो शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मामले को लेकर काफी वक्त से सचिवालय में जारी वार्ता के बाद सरकार ने गुर्जर समाज की 14 मांगों को लेकर के सहमति जता दी। मामले में लिखित में गुर्जर प्रतिनिधियों को समझौता पत्र भी दिया गया। भारत में अब दिनों दिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम सामने आ रहे हैं। रविवार को देश में कोरोना के 46,964 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच एक राहत की खबर यह है कि दरअसल सबसे भारत में कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से अब तक पहली बार देश में कोरोना के मामलों में मासिक गिरावट दर्ज की गई है।